सागर में खड़ी नमाज मेरी किबला कहबा शब रात मेरी जो कच्चे घड़े सवार हुआ बस उसका बेड़ा पार हुआ जो कच्चे घड़े सवार हुआ बस उसका बेड़ा पार हुआ मुझे शादी नहीं कर ये बात शरीयत के वाले साहब आप इन बातों को रहने दें प्लीज बरखुरदार याद करो तुम मेरे साथ गोदाम में गए थे तुमने वीडियो बनाई थी जी हजूर मैं आपको जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं तो फिर मैं आपके साथ वहां कैसे जा सकता था मैं नहीं जानता सर इस पे साइन करो प्लीज मेरे अब्बा जी को पकड़ के ले गई वो मोहम्मद हुसैन ने उन्हें फंसाया और वो जमानत के लिए 25 लाख मांग रहे आप तो जानते हैं हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं और वो जो जमीन भी कब से में आप मेरे अब्बा जी को बचा ले बात कर लो हेलो मुझे धक्का दोगी तुम मुझे पागल हो किशो तुम पागल हो क्या हक है मेरा तुम पर अपनी औकात ना भूलना देखा किया मैंने तुम्हारे साथ देखा किया है ना तुम्हारे साथ नहीं रहना मेरे अब्बा जी बहुत बीमार है मुझे उनके पास जाने दो मुझे अब्बा जी के पास जाना है तो पैसे पैसे भेज तो रहा हूँ ना जिंदगी मौत और तो अल्लाह के हाथ में होती है ना अल्लाह अल्लाह का नाम लेते हो एक अकेली लड़की को देख के उसके साथ जबरदस्ती की अल्लाह के नाम लेने वाले भीख नहीं मांगते
मेरे बाबा को बचाओ। जिंदगी भर गुलामी करूंगी, किसने कहा था ये? मैं अगर अल्लाह को ना मानता होता ना, अब तक तुझे धक्के मार कर घर से निकाल चुका होता। नहीं, जिंदा गाड़ चुका होता तुझे मैं। शुक्र कर के तुझे घर में रखा हुआ इज्जत के साथ। निकाह पढ़वाया मैंने तुम्हारे साथ, वरना कहीं पड़ी होती सड़क के किनारे। अब्बा जी बीमार हैं तो पैर दबाने से उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी। खिदमत करनी है तो मेरी करो, शोहर हूं मैं तुम्हारा, मेरी खिदमत करो। मैं काश कहूँ मेरी राह यही, इस पार नहीं जरा उस पार नहीं, पैर दबाओ। जो कच्चे घड़े सवार हुआ बस उसका बेड़ा पार हुआ, जो कच्चे घड़े सवार हुआ बस उसका बेड़ा पार हुआ। पाभी बड़ा अफसोस हुआ, अब भाई कैसा है? पता नहीं, अभी तक तो अंदर ही है। वैसे लोग तो कुछ और कहते हैं और तुम लोग कुछ और कहते हो। तो जाके मोहम्मद हुसैन से पूछ लेना, और अगर फिर भी तसल्ली ना हो तो टीवी के दफ्तर चली जा, मेरे पास के लेने आई है। ले, मैं तो हमदर्दी करने आई थी। रशीद वेरशी बात सुन, इधर आ, गल सुन ना। देख हसन ने ना जमानत के लिए पैसे भेजे, तू शेख साहब के पास चला जा, वो खुद ही जमा करा देंगे। और हाँ 50,000 भी भेजे घर के लिए, उनको बैंक में डाल देना, ध्यान से जाना हैं। चल जा, शाबाश। वाह भाई, भाभी कौन है ये? उनके शागिर्द हैं जिनके पास पारो रहती है। जमानत कितनी है? 25 लाख की। 25 लाख? भाभी इतना बड़ा एहसान कैसे चुकाओगी? कैसे? देखो हूँ तो मैं छोटी पर अक्ल बड़ी रखती हूँ, मैं तो कहती हूँ पारो को वापस बुला लो। क्यों? आमिर से बात नहीं करने दी, बड़े फोन किए उसने, बड़ी पाबंदी है पारो पर। अगर आमिर को इतना ही ख्याल था तो निकाह कर लेता ना जाकर उससे। उसने तो मेरी बेटी का वो हाल किया कि वो जान देने पर तुलाई, उन लोगों ने ही संभाला है उसे। पारो के सर पर वहां पर बाप नहीं है, हसन है, और काफी है वो उसके लिए। उस पर शक करूंगी तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं। आमिर कह रहा था कि अच्छा अच्छा बस अब कोई बात ना कर, मेरा जी अच्छा नहीं है, उसके अब्बा जी आ जाए ना तो बात कर लेना। खाना क्यों नहीं खाया? मैंने कितनी दफा तुमसे कहा कि यूं खाना मत खाया करो, मुझसे खाना नहीं खाया जाता, जानवरों की तरह खाते हो तुम। तो जानवरों के साथ शादी क्यों की? तुम्हें पता है ना, मैं भी ये बात सोचती हूँ कि मैंने तुमसे शादी क्यों की।
खाना खा रही हो? मुंह बंद करके खाना खाओ। कांटा चमचा पड़ा है ना, इसके साथ खाओ। हाथ तक नहीं धोए। ऐसा लग रहा है कि वे जंगली जानवर मेरे साथ बैठा हुआ है। तुम्हारे साथ धोने वाले खाना भी हराम हो गया मेरे लिए। वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं पारो से बात कर सकता हूँ? जी कौन बात कर रहा है? आमिर, उनका दोस्त। एक मिनट, फोन है तुम्हारा। हेलो आमर। हेलो हेलो मियाँ के होते हुए गैर मर्द से बात कर रही हो, और वो भी मियाँ के सामने। कौन है वो तुम्हारा? कोई नहीं। कोई भी नहीं? फिर भी इतनी तड़प देखी, ऐसा कब? तुम मेरे लिए कभी नहीं तड़पी। मेरी सूरत देखती हो तो साफ समझ जाता है तुम। क्या ऐसा जो मेरे पास नहीं है? शक्ल है, सूरत है, इज्जत है, पैसा, सारी उम्र भी ढूंढती रहती तो ऐसा नहीं मिलता। हसन, ये नाम आगे सब मिटा दो। स्वीटहार्ट, जो कच्चे घड़े सवार हुआ बस उसका बेड़ा पार हुआ। जो कच्चे घड़े सवार हुआ
बस उसका बेड़ा पार हुआ। किसको फोन कर रही हो? वो माँ को फोन कर रही थी। ये माँ का नंबर है? ये माँ का नंबर है? आशिकी के अलावा कुछ सोचता है? मैंने कहा था ना, फोन के पास नहीं जाना है। मुझे माफ कर, मैं कभी इसका नाम नहीं लूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ करना, मुझे बेवफाई नहीं चाहिए, तुझे नहीं छोड़ूंगा। समझ गया, नहीं छोड़ूंगा तुझे। मुझे माफ कर दे, मेरे माफ कर दे। मैं उसका कभी नाम नहीं लूंगी, मैं कभी जिंदगी उसका नाम नहीं लूंगी। मुझे माफ कर दो। तू लेगी उसका नाम, तू लेगी उसका नाम। तू औरत है, औरत होती सरकश है। मैं अभी उसका नंबर पुलिस को देता हूँ। मुझे माफ कर दो। अम्मा, वो आदमी कौन होता है मेरी बहन पे पाबंदी लगाने वाला? एक तो घर का फोन काम नहीं कर रहा, ऊपर से आमिर भाई को भी बात करने नहीं देता। ना तू आमिर की बातों में आ गया है? तुझे अब ख्याल आया पारो का? जब उसके पास भेजा था तो उसने खबर तक नहीं ली। कितने फोन किए मेरी बच्ची ने, और वो उसे दुत्कारता रहा। बहुत एहसान है हम पर हसन मिर्जा के। माँ, बिना किसी घर के कोई एहसान नहीं करता। देख पुत्र, जब पेट भराओ ना तो ये हरी हरी बहुत सूझती है, और ये इज्जत दुनिया गैरत
सब नाक के नीचे से गुजर जाता है जब पेट खाली हो। ये रिस्क मुझ पे हराम है माँ, जो मुझे अपनी बहन की इज्जत का सौदा करके मिले। हसन बेटियों वाला है पागल, तू अमर की बातों में ना। मुझे हसन का नंबर दे। नहीं है मेरे पास। नहीं तो अब्बा जी भी जिंदा नहीं रहेंगे। हेलो, ये क्या बकवास लिखी है तुमने? मैं पेपर्स नहीं भिजवाऊंगा। बच्चों का स्कूल चेंज नहीं होगा, जहां जा रहे हैं वहीं जाते रहेंगे। बहुत हो गया जरा, यू कांट ब्लैकमेल मी एनी मोर। पेपर्स आए थे, मैंने वापस भिजवा दिए। मैंने डिवोर्स साइन नहीं की, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। लड़ना चाहती हो ना, चलो लड़ो केस, देखता हूं कितने पानी में होता हूं। बैठो यार। यार मत पूछो क्या नहीं हो रहा है यार। बच्चों का स्कूल चेंज कर रही है यार, क्या मजाक है ये? कभी 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 तो जी चाहता है कि सब जाएं जहन्नम में यार। क्या जिंदगी है मेरी, नथिंग इज अंडर कंट्रोल। जब अकाउंट खाली होगा तो एक धमकी आएगी। अब अकाउंट खाली ही रहेगा यार, महीना हो गया यार, बच्चों से बात नहीं हुई, उनकी शक्ल नहीं देखी मैंने। तो ऐसा कर, शादी कर लो। कर लो, भूल जाओ जरा को, घर एक बार बनते हैं। माफ करना, जो औरत सारी उम्र तेरे घर में चोर दरवाजे बनाती रही वो कुछ भी कर सकती है, वो घर नहीं बना सकती। हेलो, हेलो, मैं आमिर बात कर रहा हूँ। Why are you calling me? No, I can't talk to you. वो लड़की मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? No problem. आप पारो से तो पूछ लें कि मैं कौन हूँ। देखो मैंने तुमसे कहा था कि पंजाब से उसके माँ बाप को बुला दूँ, मैं उनके हवाले कर दूंगा। आप ज्यादती कर रहे हैं ये। अच्छा तो आप ऐसा कीजिए ना, आप क्यों नहीं मदद कर देते उनकी, उनको आप 25 लाख रुपए भिजवा दीजिए और मेरे 25 लाख मुझे वापस कर दीजिए। मैं बुरा तो बुरा ही सही। और एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता हूं। आइंदा तुमने मुझे फोन किया तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। पुलिस को मैं भी इन्फॉर्म कर सकता हूँ और उनसे ये भी कह सकता हूँ कि आपने पारो को कैद में रखा हुआ है। जो करना है करो, तुम क्या समझते हो? Do I care? Hello? ओहो, नहीं करना इमिग्रेशन, हमारा भाई है आमिर, आप पारो को उसके साथ भेज दें। आमिर तुम्हारा भाई है, पारो का नहीं, और जिम्मेदारी तो मेरी है ना। भाई हसन, गोली मारो जिम्मेदारी को, पारो मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ आओ, उसकी जिम्मेदारी उठाओ, वहां बैठ के ऑर्डर पास नहीं करो। भाईजान चार पैसे क्या भेज दिया आप, रोप झाड़ रहे हो। पहली बात तो यह है कि 25 लाख चार पैसे नहीं होते, और अगर होते हैं तो चार किस्तों में भेज दो। और दूसरी बात यह है कि माँ बाप की गैर मौजूदगी में पारो कहीं नहीं जाएगी, मेरी भी बच्चियां हैं। फिर मुझे ही कुछ करना होगा। ओके, नो प्रॉब्लम।
रशीद, ये कौन है ये हसन जो मुझे धमकी दे रहा है? रोजी रोटी वो हमें देता है? उसके आने से पहले क्या हम भूखे मर रहे थे? रोज लौकी खाऊंगा लेकिन उसके पैसे का एक दिन भी पानी भी नहीं पीऊंगा। माँ मजबूरियों में बेटियों को बेच नहीं देते, कुछ शर्म करो। अम्मा जी, किसी के अंदर छुपे हुए शैतान को कोई नहीं जानता। आप तो बैठे रहते हैं घर में, बाहर मैं जाता हूँ, लोग क्या क्या बातें करते हैं मैं सुनता हूँ। मेरी अकल चलती तो गोली मार देता, लेकिन किसी के घर नहीं भेजता। तू हसन से लड़ेगा तो फिर कहाँ से खाएंगे हम? नहीं खाएंगे, मर जाएंगे। थोड़ा सा जहर मुफ्त में मिल जाता है। हेलो भाई असलम जी, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। अगर बच्चे आ गए तो तुम मुझे मेरे बच्चों के लिए चाहिए होगी। हर हाल में मुझे तुम्हारी जरूरत रहेगी। कोई भी रिश्ता रखने के लिए उसकी कीमत देनी पड़ती है। मैंने कोई कंजूसी नहीं की। तुम्हारे वालिद का इलाज शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में हो रहा है। रशीद पढ़ता रहे, इसलिए घर पैसे भेजता रहता हूं। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं तुम्हें उतना बता रहा हूं जितना तुम समझती हो। सारा से डरता हूं मैं। तुमसे नहीं डरता पा रहा हूं। क्या मैं इस काबिल नहीं हूं कि कोई मुझे बगैर इस्तेमाल किए बगैर चाहे? जानता हूं मैं तुम आमिर को चाहती हो, वो साथ है। मेरे गुस्से को समझने की कोशिश करो। और मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूं। तुम्हारा भाई चाहता है कि मैं तुम्हें आमिर के हवाले कर दूं, तो निकाह पे निकाह तो नहीं कर सकती ना तुम? और मेरे हिस्से में आई हुई चीज मैं किसी के साथ बांटता नहीं हूं। ना ही हवाले करता हूं। बीवी जरा प्राइवेट सी चीज होती है ना, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मेरी मजबूरी समझो ना। हेलो, मजबूर हूं मैं। समझने की कोशिश करो। आ, 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 आ,
पारो पारो ये मेरी माँ ने भेजा था, इसे शाम को पहन लेना। अगर शाम हुई तो आयु पारो जी, वो मेरा नाम पारो है जी। पारो, हम कम्युनिटी हेल्प वर्क की तरफ से आए हैं, और इससे पहले कि आपकी तरफ से कोई शिकायत जाए, हम आपकी हेल्प करने हैं। की शिकायत जी? आमिर अली ने ये शिकायत की है कि हसन मिर्ज़ा ने आपको हस्ब पेशा में रखा है। हस्ब? वो की होता है जी? यानी आप कैद में हैं, आपको यहाँ ज़बरदस्ती रखा गया है, आमिर ने कंप्लेन कराई है, वो बाहर वेट करें और आप हमारे साथ चलिए। मुझे तो पहले उस आदमी पर शक था। वो तो अच्छा नहीं है, लेकिन तुम उससे ज्यादा बुरे हो। एक मिनट, मैं बुरा? जी, अपनी चीज ऐसे किसी के हवाले नहीं करते। लेकिन तुम मुझे अपना समझते ही कब हो? अब सारी लड़ाइयाँ आज ही करेंगी या कुछ शादी के बाद भी? शादी मैं और तुमसे? सूरत देखी तुमने अपनी? नौकरी वोकरी हाथ में नहीं चला है शादी करने, और मुझे नहीं साफ करने तुम्हारे वो टॉयलेट और बाथरूम। तो क्या करोगी? वापस चली जाऊंगी। देखा नहीं मेरा महल? मैं वापस जाने दूंगा, तब जाओगे ना? अच्छा, पारो। जाने दो, तुम साथ हो ना? Don't leave me again. ये जो लीव है ना, ये तुमने खुद ही किया था, वरना अब तक तो हमारी शादी भी हो जाती। और अल्लाह रखे, अभी तो मेरी गोद में एक छोटा सा मुन्ना भी होता। तुमने लेट किया, और चच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम देख लेना। चच्ची को बाद में देखो, पहले मुझे तो देखने दो। मेरी पार कितने रंग है, कितने का है? जिंदगी लग जाएगी, गौर से देखिएगा। बता तो सही हुआ क्या है? और तुम्हारी दुलारी ने बाहर जाकर आंखें बदल ली, इनकार कर दिया। अगर नेक चलन की होती ना तो चुप करके आ जाती। सागर में खड़ी नहीं।
पार नहीं।